नेक्स्ट इज फ्रॉम मीत पटेल, ये पूछते हैं कि आपकी फिटनेस का राज, आई थिंक इट्स यू नो ऑब्वियस आज की डेट में सबको पता होगा ही होगा, वेजिटेबल जूस इन द मॉर्निंग्स और एनीथिंग एक्स्ट्रा दैट यू हैव चेंज्ड मेबी सिंस लास्ट ईयर? माय वाइफ डजंट लेट मी ईट जो मेरे को खाना है, लाइक आई हैव टू, पता नहीं क्या हुआ जूस अभी आजकल, मैं हॉलीडे पर, मेरी वाइफ नहीं है 20 दिन से, जो मन में कचरा खा रहा हूँ इसलिए मोटा होऊंगा। ग्रेट ग्रेट, ओके सो द नेक्स्ट इज, ये फैमिली से मेरे को साथ में लिंक हो गया है, इट्स फ्रॉम मनमोहन कृष्णा, आर यू एबल टू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली आफ्टर गिविंग अस सो मेनी वीडियोस, लाइक नियरली अ वीडियो एवरी डे, सो हाउ इज द बेसिक शेड्यूल ऑफ गीकी रंजीत? अभी क्या है स्टोरी? या अभी इट इज सॉर्ट ऑफ पॉसिबल बिकॉज जो मेरा ये ऑफिस है इट्स विद इन माई हाउस इट सेल्फ, सो इट इज़ पॉसिबल यार, सुबह यार उठता हूँ तो लाइक आधा घंटा एक घंटा फैमिली के साथ है, एंड इवनिंग में भी आई एम एबल टू स्पेंड अबाउट 2-3 2 घंटे और वॉट एवर, उसलिए मैं ये सर्फेस प्रो 4 लिया हूँ ताकि लाइक आई गेट आउट ऑफ दिस ऑफिस, घर पे भी दूसरी जगह यूज कर सकता हूँ फैमिली के साथ, बट या इट इज हेक्टिक एंड वैसा कुछ है ही नहीं, पीपल सोचते हैं दूसरों को छुट्टी मिलती है वॉट एवर, हमको नहीं मिलती है, संडे भी इट्स अ वर्किंग डे फॉर अस, सो या इट इज़ अ लिटल बिट डिफिकल्ट, अभी चल जा रहा है लेकिन इफ आई एक्सपैंड एंड मूव आउट ऑफ हियर एंड पुट अ प्रॉपर ऑफिस, जब पता नहीं क्या होगा भैया, भगवान जाने। ओके नेक्स्ट वन इज फ्रॉम राहुल अय्यर, इन्होंने पूछा, काफी इंटरेस्टिंग है और मे बी आप कुछ इसमें आगे और ऐड कर सकते हैं, इट्स लाइक डू यू एवर फील कि मोबाइल फोन रिव्यूज बैक टू बैक सेम मोनोटोनस थिंग, अभी थक गए हैं, अभी कुछ नया ट्राई करना है, तो इफ येस देन नया क्या ट्राई करना है? येस ऑब्वियसली मैंने पहले भी बोल चुका है इसके बारे में, स्मार्टफोन यार ये कंपनी तंग कर दे रहे हैं, एक के बाद एक कंटिन्यूस ख़त्म ही नहीं हो रहा है यार, एंथुजियाज्म का वो रहता है, और एक चीज़ जो करती है दूसरे कंपनीज भी सिमिलर चीज़ करना चाहते हैं, सो टू मैनी प्रोडक्ट्स हो गए हैं एंड आई थिंक सो ऑडियंस भी सॉर्ट ऑफ थक गई है, हर महीने 7-8-10 फोन्स लॉन्च हो रहे हैं, सो हाँ थकावट हो जाती है, बट समटाइम्स अगेन आउट ऑफ ऑल द phones that you get, there is some phone that really excites you, जो that price segment में काफ़ी अच्छे features offer कर रहा है, so that keeps me motivated, but yes थोड़ा थक जा रहा हूँ, उसलिए मैं दूसरे shows भी start कर रहा हूँ, जैसे weekly talks, संडे मेरे दिमाग में जो चल रहा है बात करता हूँ, जो भी बकवास है वो बोलता हूँ, so yeah, trying to do get out of that, but yeah, still smartphones are really important, because smartphone ऐसी चीज़ है गौरव, ये computer जो है अपने साथ हमेशा रहता है, so it is very important I feel. Exactly. बट स्टिल वो मोनोटोनस जो टोन है, बार बार सेम वही गेमिंग रिव्यूज, वही कैमरा रिव्यूज और ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस बेसिकली, आपको ऐसा नहीं कुछ ड्रास्टिक चेंजेस? सबसे बोरियत मेरे को तो ना क्या लगता है, गेमिंग रिव्यूज लोग करो बोलते हैं लाइक अरे यार मैं नहीं खेलता मोबाइल गेम्स, आप उसमें अच्छा नहीं कर रहा, मैं नहीं खेलता यार, मैं 39 इयर्स का हूं, मैं नहीं खेलता गेम्स, मेरी बेटी एस्फॉल्ट का एस्फॉल्ट का नेवेडा लेवल स्टार्ट करके एंड देन गोइंग दैट थिंग अगेन एंड अगेन प्रेसिंग नाइट्रोस, आई डोंट नो. Okay, तो अगला क्वेश्चन है शितिज से, he's asking why no setup tours, please tell us about your education, दो चीजें एक साथ. Okay, I think the setup tour might be coming now, setup after you are done with everything. Yeah, setup tour मैंने किया, क्यों नहीं किया बोले तो यार लाइक मेरा इतना सिंपल सेटअप है, लोग हंसेंगे मेरे ऊपर, कुछ दिखाने लाइक था ही नहीं तो क्या दिखाऊं मैं. मेरा मॉनिटर भी 5 साल के बाद अपग्रेड किया हूँ मैंने, एंड माइक भी जो था 5.5 साल से, अभी रिसेंटली जैसे अपग्रेड कर रहा हूँ स्पार्क माइक को, मिक्सर लगाया हूँ, सो मैं जो हूँ ना बहुत सिंपल रखना चाहता हूँ चीज़, सो कुछ ज़्यादा फ्लैशी था ही नहीं मेरे पास, जैसे दूसरे यूट्यूबर्स का तो देखता तो मैं लगा हाय राम क्या कर रहा हूँ, सो कुछ था ही नहीं. एंड रिगार्डिंग एजुकेशन यार, आई डिड एक्चुअली बीकॉम ऑनर्स, आई डिडंट डू इंजीनियरिंग, बट बीकॉम ऑनर्स में भी लाइक हार्डली कॉलेज को गए, वहाँ पर भी सिर्फ कंप्यूटर्स को खोलते थे, टिंकरिंग करते थे जो टाइम मिलता था, एंड बीच में थोड़ा पढ़ाया भी हूँ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को, कंप्यूटर रिलेटेड स्टाफ ये वो, सो इंटरेस्ट बस था ये कंप्यूटिंग का, मतलब आप मेरे को छोड़ दो रूम में कंप्यूटर के साथ और मैं बोलता था या प्लीज़ गो, छोड़ दो मुझे, आई वॉज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, सो इट्स इंटरेस्ट जो था वो चीज़ में. मैं आपको बता दूं कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है मेरे साथ में, व्हेन आई वाज इन फर्स्ट स्टैंडर्ड उस टाइम पे आई वाज इन आईएससी बोर्ड और आई थिंक इट वाज 95 और 96, तो उस टाइम पे वी वर हैविंग कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट सिंस फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड, तो उस टाइम पे वी यूज टू वर्क विद लोगो एंड बेसिक लैंग्वेजेस, और हमको तो कुछ पता नहीं होता था, तो मैम बोर्ड पे 4-5 लाइन लिख देती थी, हमको कंप्यूटर में टाइप इन करना पड़ता था, उसके बाद में स्क्वायर रेक्टेंगल हेक्सागन ऑक्टागन कुछ कुछ प्रिंट होकर आता था, तो दूर से अगर देखते थे तो लाइक एवरीबडी यू नो यूज टू सी द सेम सिमिलर स्क्रीन, बिकॉज जितने भी थे क्लास में लोग सब लोग सेम चीज पे काम कर रहे होते हैं,
बट सडनली अगर किसी से, क्योंकि दो दो स्टूडेंट एक एक कंप्यूटर शेयर कर रहे हैं कई बार, तो अगर किसी से कुछ एस्केप दब गया, फंक्शन की दब गया, तो उसका मेन्यू कुछ अलग आ जाएगा। एंड एट दैट टाइम मॉनिटर नहीं थे कलर वाले, वो ग्रीन वाले मॉनिटर होते थे, तो उस टाइम पे सब लोग कंप्लेन करते थे कि मैम इसने कंप्यूटर खराब कर दिया, खराब कर दिया है। तो स्केरी था कि बस जो जो लिखा है वो टाइप करो, वो शेप निकालो एंड देन डन। लेकिन उसके बाद फाइनली जब मेरे पास में कंप्यूटर आया, जब मैं आई थिंक थर्ड स्टैंडर्ड में था, पापा ने मुझे कंप्यूटर गिफ्ट किया, इट वॉज लाइक 4.5 GB हार्ड ड्राइव, 32 GB रैम आई थिंक। तो उस टाइम पे ही जस्ट टोल्ड मी वन थिंग कि कंप्यूटर में केवल दो चीजें हैं, ओके और कैंसिल। कुछ समझ में आता है तो ओके प्रेस करो, नहीं आता तो कैंसिल प्रेस करो, कुछ खराब नहीं होगा, इट विल बी वर्किंग परफेक्टली फाइन। तो उसके बाद से ना कभी भी मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, एंड आई जस्ट कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग एंड डूइंग द स्टफ लाइक जो मैं आज कर पा रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट थिंग। मेरा जो फर्स्ट कंप्यूटर था गौरव, वो 40 MB हार्ड ड्राइव था उसमें, 40 MB। हाँ आजकल GB और टेराबाइट में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम हर्षित। ही इज आस्किंग, सर आप इतने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाते हो? टेल मी वेयर इज द सोर्स, वाह द सीक्रेट बैंक। यार, लाइक आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस आईटी इंडस्ट्री फॉर लाइक 15 साल पहले, बिफोर आई स्टार्टेड द यूट्यूब चैनल। एंड आई यूज टू डू अ लॉट ऑफ प्रोग्रामिंग पहले फॉर ओवरसीज क्लाइंट्स, एंड यहाँ पर भी काफ़ी बड़े बड़े पोर्टल्स। इंडिया में जब स्टैटिक वेबसाइट्स बनते थे, जो नॉर्मल वेबसाइट, वो जमाने में मैं डायनामिक वेबसाइट्स बनाता था, तो लोगों को आइडिया भी नहीं रहता था क्या कर रहा हूँ। सो आई यूज टू डू दैट, आई मेड, आई वॉज गुड इन दैट। सो मैंने काफ़ी अर्न करा था वहाँ, बट बोर हो गया कंटिन्यूसली कर करके सेम चीज़, आप रिपीटेटिव कर करके एंड वॉट नॉट बोर हो जाते हैं। तो आई वॉन्ट टू डू समथिंग एल्स, एंड आई स्टार्टेड दिस वॉट यू से टेक रिलेटेड थिंग। काफ़ी इंटरेस्ट आता था, पैसे नहीं आते थे, बट द इंकरेजमेंट जो एक रहता है ना गौरव, यू यू फील दैट ऑडियंस से आ रहा है, वो ड्रोव मी। एंड मेंटली आई वॉज प्रिपेयर्ड यार, लाइक 2 साल तो लाइक आई हैव टू स्पेंड मनी। सो मैंने एक अच्छा अमाउंट उठा के साइड में रख दिया था कि यार कंपनीज तो, और इनिशियली मैंने कंपनीज को भी लिखा था व्हेन आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल आफ्टर 6 मंथ, किसी ने रिप्लाई तक नहीं किया, फॉरगेट अबाउट गेटिंग द यूनिट्स, रिप्लाई तक नहीं किया। सो आई यूज टू बाई दो स्टाफ, सो आई वॉज यूज टू दैट। सो आई हैड केप्ट एन अमाउंट अलग फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स कि लेट्स सी हाउ इट वर्क। एंड टू बी फ्रैंक, इवन टिल 3 ईयर्स आई वॉज मेकिंग लॉसेस, बट सिर्फ आप लोग का जो कम्युनिटी का सपोर्ट और वो था, आई डेंट गिव अप। सो इट इज डिफिकल्ट गौरव, स्टिल इट इज डिफिकल्ट समटाइम्स। अभी तो काफ़ी, जैसे मेरे वीकली टॉक्स में मैंने लास्ट मंथ बात किया था रिव्यू यूनिट्स के, अभी काफ़ी रिव्यू यूनिट्स आ जाते हैं वॉट एवर, एंड अगेन रिव्यू यूनिट्स वापस जाते हैं भाई कंपनीज को, वी डोंट गेट टू कीप इट, बट स्टिल यू हैव टू परचेज सम स्टफ एंड कीप इट, बिकॉज यार आपके ऑडियंस बोलते होंगे आप 6 महीने का ये बढ़िया फोन निकला है, इसको कंपेयर करो ये फोन के साथ, वो फोन तो रहेगा ही नहीं आपके पास, सो आपको सम स्टफ खरीदना भी पड़ता है। एग्जैक्टली, तो ये एक इनसाइड स्टोरी है। बहुत लोग समझते हैं कि आई डोंट नो कि मतलब कहाँ से नो रिव्यू यूनिट्स भी आ गए हैं, फोन का खजाना है, तो इट्स नॉट अ बिग थिंग, वो टेम्प्रेरी बेसिस पे रहते हैं, इन कीप्स ऑन चेंजिंग, नए आते रहते हैं, पुराने जाते रहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज, एक क्वेश्चन है शुभम जैन से, सॉर्ट ऑफ इंटरेस्टिंग। ये बोलते हैं कि नोकिया की अगर एंट्री होती है स्मार्टफोन मार्केट में, तो बिकॉज हमारा एक लिंक जो है नोकिया से, इट्स लाइक नो अ लिंक ऑफ हार्ट, जो कनेक्शन है स्टार्टिंग से हमने नोकिया फोन यूज किए हैं, तो क्या नोकिया फोन अगर आता है तो लाइक मे बी जो बाकी फोन्स हैं, इवन चाहे सैमसंग हो या आईफोन वगैरह हो या इवन जो चाइनीज प्लेयर्स हैं, तो विल दैट थिंग मेक अ डैमेज टू देम? एंड सेकेंडली, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ स्मार्टफोन इंडस्ट्री स्पेशली आफ्टर 2-3 ईयर्स? जो भी एक मोटोनस आ चीज जो चीज़ है वो आ चुकी है, तो अगले 2 साल बाद में लाइक व्हाट ड्रास्टिक कैन हैपन? फर्स्ट चलो नोकिया के बारे में बात करते हैं हम। नोकिया, आई वुड से बिगेस्ट मिस्टेक जो नोकिया ने की इज दे वेंट विद विंडोज़ फ़ोन प्लेटफॉर्म, और आप जानते हैं उसका क्या हुआ। अभी माइक्रोसॉफ्ट ही वो पूरे प्लेटफॉर्म को भी छोड़ देना चाह रहा है लग रहा है, नोकिया को ख़रीदा, बर्बाद कर दिया, उड़ा दिया। अगर नोकिया एंड्रॉयड लेता था तो आई पर्सनली फील अभी वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स रहता था, एंड सैमसंग की भी बजा के रखता था। ओके, बिकॉज हार्डवेयर में वो बहुत स्ट्रांग थे, बट विंडोज़ फ़ोन जो OS था, इट सिंपली डिड नॉट टेक ओवर, एंड जो माइक्रोसॉफ्ट ने उसको रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए थे, आई फील दैट वॉज द एंड ऑफ नोकिया। सो बट आज के डेट में अगर नोकिया आता है, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी ईजी। यस, इट विल डिपेंड, बिकॉज ये इंडस्ट्री इतनी फास्ट मूव होती है, बट स्टिल इफ दे कम विद एंड्रॉयड फोन, आई डोंट नो लाइसेंसिंग का क्या है फंडा, वॉट एवर माइक्रोसॉफ्ट के साथ डील कि बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं, वो सब नहीं मालूम, बट स्टिल अगर बनाते हैं वो लोग विद अ स्ट्रॉन्ग OEM ऑन वॉट एवर आफ्टर सेल सर्विस, वो सब दे सकते हैं, स्टिल आई फील नोकिया हैज़ अ चांस, बिकॉज आपको भी पता है नोकिया निकालेगा तो एक लेवल ऑफ क्वालिटी तो रहेगी ही रहेगी। डेफिनेटली डेफिनेटली,
प्लस जो कॉन्फिडेंस है या जो कनेक्शन है, तो जस्ट फॉर सेक ऑफ ट्राइंग में भी कोई कोई एक एक फोन ले हाँ सकते हैं, क्योंकि हाँ लेट्स ट्राई कि क्या क्या हाँ चीज आजकल है। इतने नए, मैं भी सरप्राइज हूँ गौरव, इतने नए चाइनीज प्लेयर आ रहे हैं, लीको ईको नाम भी समझ में नहीं आता प्रोनाउंस कैसा करें, एंड लोग खरीद रहे हैं, तो लोग ट्राई कर रहे हैं आजकल न्यू ब्रांड्स को। डेफिनेटली डेफिनेटली। एंड फ्यूचर अबाउट कंसोलिडेशन, वो कंसोलिडेशन के बारे में जो था, अभी क्या हो रहा है, मतलब काफ़ी प्लेयर्स मार्केट में कूद रहे हैं, एवरी 2-3 मंथ्स हम नया ब्रांड देख रहे हैं। भाई ये तो था ही नहीं, कहाँ से आ गया, नए फ्रोन स्नॉट कर रहा है, स्मार्टरॉन आ गया बीच में, पता नहीं कीरो बोल के आया था, पता नहीं कितने आ रहे हैं, बट ये जो है अभी दिस इज गोइंग टू फेड डाउन एंड मार्केट कंसोलिडेट होएगा इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स, एंड आप काफ़ी ब्रांड्स जो देखेंगे वो मेरे हिसाब से गायब हो जाएंगे। एंड जैसे पीसी इंडस्ट्री में हुआ है, देन ओनली अ फ्यू टॉप 5-7 ब्रांड्स विल बी लेफ्ट ओवर, एंड वो ही कम्पीट करते रहेंगे एक दूसरे के साथ। आई फील दैट इज गोइंग टू हैपन, बिकॉज अभी शायद आई थिंक द बिगेस्ट एडवांटेज दैट दे हैव इन इंडिया इज कि अभी भी मार्केट को कैप्चर करने के लिए बहुत सारी चीजें बाकी हैं, लाइक देयर आर मेनी गाइस उनके पास में आज एक फोन भी नहीं है, या हो सकता है फीचर फोन यूज कर रहे हैं आज की डेट में, तो दोस गाइस आर बाइंग योर फोन्स, बट व्हाट आफ्टर 2 ईयर्स, जब वो मार्केट खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में क्या करोगे, कुछ कुछ बचेगा नहीं जब कस्टमर नीचे नया लेने के लिए, वो वाली बात भी है शायद आई थिंक। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम, ही हैज गॉट अनमोल, हैज गॉट आई थिंक 4-5 क्वेश्चंस, बट यू हैव आंसर्ड मेनी ऑफ देम ऑलरेडी। तो इसमें एक क्वेश्चन है कि ओके दिस इज एन इंटरेस्टिंग वन, आपको टेक्निकल गुरुजी के सब्सक्राइबर्स बढ़ने की स्पीड देख के लगता है कि टेक्निकल गुरुजी कुड बी द नेक्स्ट बिग थिंग? यस आई थिंक सो। आपके जो सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या मसाला लगा के बढ़ा रहे हो आप, सीक्रेट बारे में बता दो। लाइक आई टेल यू व्हाट, 29th of April, if I remember the date, उस टाइम तक जो एवरेज स्पीड was अराउंड 500 पर डे। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, आई वाज जस्ट चेकिंग सोशल ब्लेड, मैंने देखा उधर खोल के तो डेली के 2000। मैं तो वीडियो वही बना रहा हूँ, मैं तो सब चीजें सेम कर रहा हूँ, बट पिछले 10 दिनों में पता नहीं क्या कमाल हो गया है। माय बर्थडे वाज ऑन 7th, तो सब्सक्राइबर जो दिखा रहा था कि 100,000 जो होंगे वो होंगे मई एंड में जाके, बट वो 11th को ही हो गए हैं। तो इवन आई डिडंट एक्सपेक्ट कि ऐसा कुछ हो जाएगा, बट आई डोंट नो क्या कमाल चल गया है। और हाँ यूट्यूब का मेरे को भी समझ में नहीं आता, मैं सोचता हूँ ये वीडियो बहुत अच्छा है यार, बढ़िया करेगा, ये बकवास वीडियो पे तो व्यूज नहीं है, और जो वीडियो में ऐसे ही बना दिया हूँ वो उसको काफी व्यूज आ जाते हैं, मेरे को लाइक समझ में नहीं आता यार ये यूट्यूब। आई विल टेल यू सर व्हाट लाइक द एक्सपीरियंस दैट आई हैव इज कि जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियोस बनाए, द कंटेंट वाज रियली लाइक यूनिक एंड अमेजिंग, बट उस टाइम पे सब्सक्राइबर्स नहीं, तो व्यूज भी नहीं आए, 2,000, 3,000, 4,000 के व्यूज हैं। आज की डेट में मैं लोगों को बोलता हूँ कि यार प्लीज गो एंड वॉच माय ओल्ड वीडियोस, उनमें बहुत अच्छी क्वालिटी है, दे हैव गॉट लाइक यू नो गुड अमाउंट ऑफ कंटेंट इन देम, बट वो देखो प्लीज, उनको नए नए चाहिए, अभी जो पुराना है वो अच्छा है वो कोई नहीं देख रहा है। वैसे ही होता है गौरव, लाइक दैट्स व्हाट हैपेंस। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम आयुष, ही इज आस्किंग अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, व्हिच फूड यू लाइक टू ईट द मोस्ट व्हेनेवर यू हैव गॉट फुल फ्रीडम, लेट मी यू नो ब्रिंग द टीम कोट्स बिकॉज उसके बाद फूड ओके आई ईट एवरीथिंग यार, आई एम नॉन वेजिटेरियन ऑल्सो, सो मेरे को बटर चिकन काफ़ी अच्छा लगता है, एंड आई प्रेफर इंडियन फूड ज़्यादा यार, वेजिटेरियन इंडियन फूड भी मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है, स्पेशली नॉर्थ इंडियन स्टाइल काफ़ी अच्छा लगता है, एंड एज आई एम फ्रॉम हैदराबाद, इफ एनी बडी कैन मेक मी गुड बिरयानी देन आई रियली लाइक, एंड लोगों को बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हैदराबाद में एवरीवेयर भाई अच्छी बिरयानी मिलती है, वैसे नहीं, ओनली फ्यू प्लेसेज यू गेट रियल बिरयानी। एंड आई थिंक दिस वन मोर डिश वेरी पॉपुलर आई थिंक हैदराबाद की, पाया, इज देयर समथिंग? हाँ पाया लोग खाते हैं, मैं ज़्यादा ज़्यादा मटन नहीं खाता हूँ, मटन पाया इज मटन आई थिंक सो, तो मैं ज़्यादा मैंने कहीं सुना था पता नहीं पहले, शायद दिस इज यू नो अ बिग बिग थिंग।